हेलो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल आद्री एक्सपेरिमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज मेनली एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ एक मेम्ब्रेन फिल्टर को लेके। ये है 80 GPD का फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर। तो ये चोक हो चुका है, इसको साफ किया जा सकता है। यही आपको बोलना था कि कैसे साफ करते हैं, ये दिखाना था। चल चलिए शुरू करते हैं। ये जो फिल्टर है, कुछ दिनों पहले ही चोक हुआ था तो मैंने इसको चेंज किया था। मैं जानता हूँ काम, तो बहुत सारे कारण हैं चोक होने के, तो इस बारे में आपको बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में मिलेंगे। तो मेन बात है कि इसको साफ किया जा सकता है। एक फिल्टर को कम से कम 15 से 20 बार साफ कर सकते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर को, लेकिन साफ करने का तरीका कुछ अलग है। ऐसा एसिड से साफ करना पड़ता है, जैसे आपका ऐसा मतलब हल्का कोई एसिड जिसमें जलेगा नहीं हाथ, ये आपके पेट में भी जाएगा तो उतना नुकसान नहीं होगा। ऐसे एसिड से इसको साफ करते हैं जो करते हैं, तो जिस हाउसिंग में ये होता है उसी हाउसिंग के अंदर ही इसको साफ करते हैं। तो क्योंकि हाउसिंग से जैसे आप इसको बाहर निकालेंगे, ये जो ओरिंग देख रहे हैं दोनों, ये दो ओरिंग लूज हो जाता है। एक बार जैसे लगाएंगे ये ओरिंग, तो ओरिंग दोबारा निकाल के अगर लगाना चाहे तो फिटिंग उतना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, 6 महीने 1 साल और ये उसी हाउसिंग के अंदर है, तो हाउसिंग में एक फिटिंग हो जाता है। तो मैं पर्सनली बोलूंगा कि उसी हाउसिंग को निकालिए, इंटैक्ट इसको अंदर रखिए और उसको साफ कीजिए। एक पंप के ऐसा एक पंप की सहायता से आप इसको साफ कर सकते हैं। तो लगभग अगर वो चोक हुआ है, देखिए जैसे ये सफेद है, किसी किसी का लाल हो जाता है, किसी किसी का ये मतलब स्केलिंग हो जाता है पतला पतला। स्केलिंग होने से वो साफ करने में लेट हो जाता है। स्केलिंग होने अगर रहे तो ज्यादातर साफ नहीं हो सकता है, ये बोल सकता हूं मैं। अगर ये सफेद हिस्सा रहे तो साफ होता है, नहीं होता है बोलना भूल है, होता है। तो देखते हैं खोल के इसके अंदर क्या है। एक्सपेरिमेंट तो करके दिखाना है आपको खोल खाल के कि ये बनता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं इसको खोलना। ये टेप की तरह चिपका है अंदर। इसका जो ओरिंग है उसको पहले निकाल देते हैं। ये केसिंग के अंदर ये लग जाता है रबड़, ताकि पानी फिल्टर होके ही आपके पास आए, और जो ड्रेन वाला हिस्सा है जिसमें गंदा पानी निकलता है वो सही से निकले। ये इसीलिए ज्यादातर ओरिंग लगा रहता है। इसको मैं अलग करता हूँ। देखिए ये खुल रहा है टेप के जैसे, बड़ा टाइट है। चलिए इसका गोंद वाला हिस्सा निकल गया, बहुत लंबा है दोस्तों ये। अंदर से इसके बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे नेट जैसा एक हिस्सा है, और इसके अंदर जो मेन फिल्टर है ना वो बहुत ही पतला है। इट मीन्स सोचिए, आपके जो सर के बाल हैं उसके अगर 10 टुकड़े करें कितना पतला होगा, उतना पतला ही होता है अंदर। देखिए कितना गंदगी है अंदर, बहुत सारे नेट हैं। मैं एक एक करके निकाल निकाल के बाहर रखता हूँ ताकि मैं अलग अलग करके आपको दिखा सकूँ। ये एक बार अगर खोल दे तो ये दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। ये बहुत चिपचिपा है, इसकी
ये वाला हिस्से को मैं अलग कर देता हूँ, रुकिए, ताकि खोलने के टाइम चिपके नहीं। चलिए अलग कर दिया मैंने। एकदम महीन रेत जैसा है अंदर, जो पानी का जो गंदगी है वो चिपका है। अगर आप ध्यान से इसको अगर घिसे तो हाथ में मेरे लग रहा है हल्का हल्का। बहुत सारे अंदर है, निकालना काफी मुश्किल है। एक के साथ एक आराम, ये बहुत अच्छे से चिपका हुआ है, देख रहे हैं आप। ये जो कागज जैसा हिस्सा आप देख रहे हैं, यही है मेन फिल्टर। ये इसी के अंदर से पानी पास होता है, यहां से घुसता है और यहां से निकलता है। यहां से एक पानी निकलता है ड्रेनेज के लिए, जो आपके जो गंदा पानी रहता है ये वॉश होके निकल जाता है। दूसरा है पीने लायक पानी। तो ये जो कागज जैसा हिस्सा है यही फिल्टर का काम करता है। ये सड़ता नहीं है पानी में, इसीलिए ये अगर सही से आप इसको फिल्टर कर पाए तो लगभग 15 से 20 बार एक फिल्टर को, मेमोरी फिल्टर को आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। फिल्टर करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसीलिए रिकमेंड करूंगा कि मैं नया लेने के लिए, क्योंकि घर में जब हम लोग पानी पीते हैं वो अगर अच्छा ना हो, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो शरीर को हानि पहुंचा सकता है। देख रहा हूँ, बस खोल रहा हूँ, खुल ही नहीं रहा है, ये ऐसा है। ये नेट जैसे हिस्सों से ये अलग अलग किया जा सकता है, इसको ये करके रखते हैं अलग अलग, सॉरी, ताकि पानी जब क्रॉस हो तो अच्छे से फिल्टर हो अंदर से। वो अलग अलग लेयर को अलग अलग, मतलब अलग अलग जगह पे ये रखता है नेट। ये जो नेट है, ये जो कागज का जैसे जो फिल्टर है, मेन फिल्टर, इसको अलग करते हैं। मतलब सोचिए पांच लेयर है या छह लेयर है, तो इसको एक एक नेट देके बीच में से सबको अलग अलग किया है, ताकि जैसे ये फिल्टर हो पानी एकदम सही पानी आपके पास पहुंचे। तो जैसे ही आपके घर में फिल्टर चोक हो, कोशिश कीजिएगा इसको बदल लेने के लिए। इसको साफ करने से आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। पानी का फ्लो सही रखने के लिए आपको नया लेना ही बेहतर है। देखें सफेद है अंदर से, मतलब ये चोक हुआ था मेरे, तो एक साल के अंदर, जैसे मैं हमेशा चेंज करता हूँ, इसीलिए मैंने एक साल के में चेंज कर दिया इसको, ताकि मेरा जो पानी है वो सही रहे। अगर ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम आपके एक साथ हुआ हो तो हमेशा चेंज कर दे फिल्टर को। जो फिल्टर का काम करते हैं, आपके पास आते हैं, उनको बोलिए कि नया फिल्टर ही लगा दे, इसको साफ करने की कोशिश ना करें। पर्सनली बोलूंगा मैं, ठीक है, रिकमेंड करूंगा कि नया फिल्टर लगाएं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कुछ भी कमेंट हो तो ज़रूर कुछ भी बताना हो, या मेरे वीडियो पसंद ना आए तो कमेंट करके मुझे बताइए। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी आपको जानना है फिल्टर के रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो एक्सपेरिमेंट कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलता हूँ आज के लिए।